चल रहा है वो चल रहा है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट में हम काफी सारे रीअरेंजमेंट हम वो कर चुके हैं, और लास्ट रीअरेंजमेंट जो हमने किया था वो यहाँ पे किया था हमने हमारा स्मिड रीअरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट रीअरेंजमेंट इस वीडियो में करने वाले हैं वो हम करेंगे बैकमान रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में रीअरेंजमेंट कौन सा करना है, बैकमान रीअरेंजमेंट करना है। बैकमान रीअरेंजमेंट में होता क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है ये, पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो बैकमान रीअरेंजमेंट में होता क्या है, तो सबसे पहली चीज देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा वही जैसे अपना रूटीन चल रहा है आउटलाइन आपको मैं बता देती हूँ, देन हम पूरा का पूरा प्रोसेस पूरी की पूरी मैकेनिज्म स्टेटमेंट सब कुछ देखेंगे रिएक्शन का विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यहां से पहले हमें क्या करना है, देखना है कि बैकमान रीअरेंजमेंट में होता क्या है। तो होता क्या है बैकमान रीअरेंजमेंट में, हमें क्या लेना होता है, कीटोक्सिम लेना होता है, ठीक है, हमें क्या लेना होता है, कीटोक्सिम लेना होता है, और कीटोक्सिम की एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन कराते हैं जिससे कन्वर्ट किसमें होता है, अपना एमाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, चीज क्लियर हो रही है। कीटोक्सिम की एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट यहां से एमाइड फॉर्म होता है, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन एज बैकमान रीअरेंजमेंट। तो चीज क्लियर हुई, द एसिड कैटेलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कीटोक्सिम टू एमाइड इज नॉन एज बैकमान रीअरेंजमेंट, और ये एमाइड कौन सा होता है, एन सबस्टिट्यूटेड एमाइड होता है, एन सबस्टिट्यूटेड एमाइड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है उस पर कोई ना कोई सबस्टिट्यूएंट है, जैसे लाइक एल्किल या फिर कोई एरिल ऐसा कोई सबस्टिट्यूएंट है वो जुड़ा होता है, ठीक है। तो चीज क्लियर हो रही है, तो यहां से होगा क्या, कीटोक्सिम है, कीटोक्सिम का हमें एसिड कैटेलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन कराना है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एन सबस्टिट्यूटेड एमाइड में, एंड दिस रिएक्शन इज नॉन एज बैकमान रीअरेंजमेंट एंड बैकमान रिएक्शन। तो कितनी ईजी सी रिएक्शन है, समझ में आ रही है, यहां से बहुत ही ईजी रिएक्शन है, और ये वाली जो रिएक्शन है ये भी होती है रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट नाइट्रोजन एटम, ठीक है। यहां पे भी रीअरेंजमेंट है वो कहां पे होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम पे ही रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो हो रही होती है, ठीक है। अब देखिए हम यहां पे ये एच पॉजिटिव क्यों यूज कर रहे हैं, एसिड क्यों यूज करते हैं हम यहां पे, तो एसिड है वो क्या करता है कि ऑक्सिम का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ऑक्सिम में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ऑक्सिम यदि हम हमारा देखें तो होता क्या है, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, यही तो होता है ऑक्सिम। तो ये एसिड क्या करता है यहां से कि जो ऑक्सिम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसे बेटर लिविंग ग्रुप में चेंज कर देता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, वी ऑल नो दैट, ठीक है। हाइड्रोक्सिल वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, वो इजिली यहां से एलिमिनेट नहीं कर सकता, बट H2O इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, क्यों, क्योंकि यहां पे जब H पॉजिटिव का अटैक हो जाएगा तो ये क्या करेगा, H2O की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, H2O वो इजिली एलिमिनेट कर सकता बट हाइड्रोक्सिल इजिली एलिमिनेट नहीं कर सकता, ये चीज हम सारे लोग जानते होते हैं, MSc के लेवल पे आ गए तो इतनी ये जो कॉमन सी बात है ये तो पता ही होगी, ठीक है। तो यहां पे ये जो एसिड कैटलिस्ट होते हैं ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट वर्क करते, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी अपना डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमें करना क्या है कि H पॉजिटिव है ये करेगा क्या, इस हाइड्रोक्सिल को कन्वर्ट करेगा इन द बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप। हाइड्रोक्सिल को कन्वर्ट किसमें कर देगा, बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही ये हाइड्रोक्सिल यहां से चला जाएगा तो नाइट्रोजन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आते ही यहां से रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है और एमाइड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। तो ये अपना था बैकमान रीअरेंजमेंट। अब ये तो हमने देखा कि होता क्या है एग्जैक्टली बैकमान रीअरेंजमेंट में, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, थोड़ी सी माइंड में इमेज बना ली कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ करना है बैकमान रीअरेंजमेंट में। यदि कुछ बच्चों को जैसे फोबिया होता है कि यार बैकमान रीअरेंजमेंट में क्या होता होगा पता नहीं, तो वो चीज यहां से क्लियर हो जाती है कि कुछ नहीं होता, कीटोक्सिम है, कीटोक्सिम का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ, सॉरी एसिड कैटेलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन कराओ, वो एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज नॉन एज बैकमान रीअरेंजमेंट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना तो आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल्स, यदि आपको कीटोक्सिम पता है और आपको एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का पता है तो बीच की मैकेनिज्म है वो आप स्टेप वाइज खुद से भी कर सकते हो। यदि आपने बाकी के सारे रीअरेंजमेंट सब वो किए हैं तो इतनी तो मैकेनिज्म का आइडिया आपको लगने लग गया होगा, ठीक है। चलिए अब हमारा स्टार्ट करते हैं बैकमान रीअरेंजमेंट। तो बैकमान रीअरेंजमेंट में सबसे पहले चीज हम क्या देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे। तो स्टेटमेंट मैं कई बार बोल भी चुकी हूं, इसे नोट डाउन कर लेते हैं, द एसिड कैटलाइज्ड, द एसिड कैटलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कीटोक्सिम,
कीटोक्सिन टू एन सबस्टिट्यूटेड एमाइड, कीटोक्सिन टू एन सबस्टिट्यूटेड एमाइड। इज नॉन एज बैकमान रीअरेंजमेंट, बैकमान रीअरेंजमेंट। यही जो रीअरेंजमेंट अपना होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैकमान रीअरेंजमेंट या फिर बैकमान रिएक्शन है वो हम बोल देते हैं। अब इसके बाद यहां से आता है कि हमने यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट है वो यूज किया है, तो एसिड कैटलिस्ट है वो करेगा क्या, और कौन कौन से एसिड कैटलिस्ट है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, वो वाले एसिड कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं जो कि मोस्ट ऑफ प्रोटोन्स डोनेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं जो कि अपने ऑक्सिम को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ से ऐसे ही एसिड्स हम वो यूज करेंगे जो कि यहाँ से प्रोटोनेशन करें, ना कि एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो कौन कौन से हमें एसिड्स यहाँ पे यूज करने हैं वो एक बार के लिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एसिड्स, H2SO4 अपना बहुत ही वेल नोन एसिड कैटलिस्ट होता है, H2SO4, H3PO4, PCl5, फॉर्मिक एसिड, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, एक्सेट्रा हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड टू, हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड टू, यूज्ड टू एज एसिड कैटलिस्ट, एज एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो हम यहां से ऐसे वाले, या फिर हम HCl ले सकते हैं, ठीक है, और HNO3 भी ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ एसिड्स हैं वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, ये वाले जो एसिड्स हैं। अब यहाँ पे इनका रोल क्या होता है, रोल मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या होगा इन एसिड कैटलिस्ट का रोल। ये करेंगे क्या कि जो ऑक्सिम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसे बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये चीज भी लिख लेते हैं, द रोल ऑफ एसिड कैटलिस्ट, द रोल ऑफ एसिड कैटलिस्ट इज टू कन्वर्ट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ऑक्सिम टू बेटर लिविंग ग्रुप, टू बेटर लिविंग ग्रुप, एंड दीज कैटलिस्ट बाय सिंपली प्रोटोनेशन कन्वर्ट हाइड्रोक्सिल टू बेटर लिविंग ग्रुप, वेर एज अदर एसिड्स, अदर एसिड्स में एस्ट्रीफाई द ऑक्सिम, में एस्ट्रीफाई द ऑक्सिम, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दीज एसिड्स एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहां से ये हुआ अपना रिएक्शन का स्टेटमेंट, थोड़ा सा रिएक्शन का थ्योरेटिकल पोर्शन की होता क्या है। अगेन देखिए, एक बार रिपीट कर देती हूँ फटाफट, द एसिड कैटलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किटोक्सिम टू एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स इज नॉन एज बैकमान रीअरेंजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो यहीं पे होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि यहाँ पे हमने एसिड कैटलिस्ट है वो कौन से यूज करने हैं, तो उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको बता दी। उसके बाद थर्ड पॉइंट की यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो रोल क्या होता है, टू कन्वर्ट हाइड्रोक्सिल इनटू बेटर लिविंग ग्रुप। अब इसके बाद की यही क्यों यूज कर रहे हैं, और भी तो कोई यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहां पे पॉइंट इन्होंने रखा है कि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सिम को एस्ट्रिफाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल के साथ कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि रिएक्ट करके, और क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करके एस्टर की फॉर्मेशन वो कर लेते हैं, बट हमें ऐसे वाले एसिड्स हम वो यूज नहीं करने। तो हमें कौन से एसिड्स हैं यूज करने हैं, हमें यही वाले एसिड्स हम वो यूज करने होते हैं। तो ये हुआ अपना रिएक्शन का स्टेटमेंट, रिएक्शन का थ्योरेटिकल पोर्शन। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन, रिएक्शन पे मूव करते हैं। तो हमें इनिशियली लेना क्या है, किटोक्सिम लेना है। ठीक है, ये हुआ अपना किटोक्सिम,
कि टॉक्सिम हो गया सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, आपको इतनी चीज पे ध्यान रखना होता है, यही अपना क्या होता है ऑक्सिम होता है। अब दोनों एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो दैट मीन्स ये कौन सा होगा, कीटोक्सिम होगा। कीटोक्सिम का क्या करना है, स्टेटमेंट पे जाइए, स्टेटमेंट से रिएक्शन बनाएंगे, रिएक्शन से स्टेटमेंट बनाएंगे, तो स्टेटमेंट पे चलते हैं। द एसिड कैटेलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कीटोक्सिम, कीटोक्सिम तो अपना आ गया एसिड कैटेलाइज्ड, यानी कि हम यहाँ पे H2SO4 यूज कर लें, H2SO4 यूज कर लिया, H2SO4 है वो क्या वर्क करेगा यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा, और कन्वर्ट किसमें करेगा इसको, यहाँ पे ये कन्वर्ट करेगा इसको एमाइड में, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर, ठीक है। डिफरेंस शो करने के लिए हम एक को आर डैस कंसिडर यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ से आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर डैस, ये क्या होता है अपना रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है, एंड दिस इज एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, नाइट्रोजन है अपना उस पर कौन लगा हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप या फिर और कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे हो सकता है, देन इट इज एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ बैकमान रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहां से ये हुई अपनी बैकमान रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमें देखना है बैकमान रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म, की मैकेनिज्म क्या होती है। तो मैकेनिज्म में देखिए सबसे पहले चीज हम यहां से क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कीटोक्सिम है वो बना बनाया लिया है, लेकिन इस बार हम कीटोक्सिम की फॉर्मेशन करेंगे ड्यूरिंग द मैकेनिज्म। पहले हम यहाँ से कीटोक्सिम बनाएंगे, देन हम कीटोक्सिम पे एसिड कैटलिस्ट का हम यहाँ पे वर्कअप कराएंगे, देन ये कन्वर्ट होगा अपना एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म, तब तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। इसके बाद देखिए हम मूव करते हैं मैकेनिज्म पे। तो मैकेनिज्म के लिए हमें स्टार्टिंग में क्या चाहिए, अपना कीटोन चाहिए। कीटोन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं कि यहां से ऑक्सिम की फॉर्मेशन हो जाए, तो ये वाली रिएक्शन चाहिए, सारी आपकी पढ़ी हुई होती हैं छोटी क्लासेस में। तो चलिए हम रिएक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कि अपना कीटोन चाहिए, ठीक है। हमें क्या देखना है, मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म ऑफ बैकमान रीअरेंजमेंट। तो मैकेनिज्म ऑफ बैकमान रीअरेंजमेंट में हमें इनिशियली लेना है कीटोन, कीटोन हमने ले लिया। अब कीटोन की रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, ठीक है। किसके साथ में कराएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो यहां से फॉर्मेशन होती है कीटोक्सिम की, ऑक्सिम की फॉर्मेशन होती है। यदि हमने यहां पे लिया है कीटोन तो कीटोक्सिम बनेगा, यदि हम यहां पे लेते हैं एल्डिहाइड तो यहां से एल्डोक्सिम की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। तो हमने यहां पे कीटोक्सिम की फॉर्मेशन करनी है, होती किस तरह से है देखिए, जनरल हम क्या करते हैं यहां से देखिए, कुछ इस तरह से कर देते हैं कि H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया, देन कीटोक्सिम की फॉर्मेशन हो गई। बट हम यहां पे कंप्लीट मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से यहां पे कीटोक्सिम की फॉर्मेशन होती है। तो उसके लिए देखिए करना क्या होता है कि अपने पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन जो है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है एंड बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करता है अपना। हाइड्रोक्सिल एमीन में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर कौन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करता है इस वाले कार्बोनिल के कार्बन पे, और जैसे ही कार्बोनिल के कार्बन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा तो यहां से ये वाला जो ऑक्सीजन है इस पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा बॉन्डिंग में तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। रिएक्शन किस तरह से होती है वो चीज हमें देखनी है। तो देखिए यहां से R R C है अपना, अभी ये किससे जुड़ा हुआ था, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसका एक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, जैसे ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट करेंगे, तो यहां से कुछ इस तरह के कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। यहां से ये हुआ अपना ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव के बाद कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, एन एच एच, और नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बॉन्डिंग में यूज कर लिया। अब यहाँ से क्या होना है, एसिड बेस रिएक्शन होनी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा यहाँ से इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से कुछ इस तरह से होगा, देखिए आर आर सी ओ एच देन एन एच ओ एच, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहां से कुछ इस तरह से होता है। अगेन देखिए यहां से क्या होगा, अब क्या होगा वो चीज हमें देख लेनी है। तो उसके लिए देखिए यहां से ये वाले लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहां पे, और ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये वाला हाइड्रोक्सिल यहां से निकलेगा, यानी कि एट द एंड निकलना तो H2O ही है, डायरेक्टली निकाल देते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा अच्छे से समझ आती है, लेकिन एग्जैक्टली मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो यहां से देखिए कुछ ऐसा करने के बाद जो रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड एन, नाइट्रोजन पे इसका लोन पेयर होता है, हमने लोन पेयर से बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के चला गया। नेक्स्ट यहां से आता है अपना OH एंड दिस इज कीटोक्सिम। तो फर्स्ट स्टेप में हमने फॉर्मेशन किसकी की है, कीटोक्सिम की फॉर्मेशन की है।
अब हम इस किटोक्सिन पे कराएंगे अपना एसिड कैटलिस्ट का अटैक। तो नेक्स्ट स्टेप स्टेप सेकंड है, वो हम यहाँ से ले लेते हैं। अभी तक का ये कौन सा था? स्टेप फर्स्ट था। स्टेप फर्स्ट में हमने कीटोन लिया, कीटोन से किटोक्सिन की रिएक्शन कराई। कीटोन प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन हमने यहाँ पे यूज किया है। कीटोन प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन नाम वाम लिख दिया करो कंपाउंड्स के, थोड़ा सा अच्छा लगता है रिएक्शन में। देन यहां से देखिए किटोक्सिन पे हमें अटैक किसका कराना है? H2SO4 यूज करने। H2SO4 क्या करेगा? H पॉजिटिव देगा। H पॉजिटिव अटैक कहां पे करेगा? H पॉजिटिव अपना अटैक करता है यहां पे, ठीक है। दूसरे कलर का चौक यूज कर रही हूं, थोड़ा सा देखने का कोशिश कीजिए। एच पॉजिटिव है वो अपना अटैक करेगा इस वाले ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे, और जैसे ही ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे एच पॉजिटिव अटैक करेगा तो यहां से फॉर्मेशन किसकी होगी वो भी देखिए। आर आर देन क्या अपना सी डबल बॉन्ड एन ओ एच टू पॉजिटिव। ओ एच टू पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो गई। क्यों आया है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ऑक्सीजन का लॉन पेयर है एक लॉन पेयर, एक लॉन पेयर अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक लॉन पेयर है वो हमने यहाँ पे बॉन्डिंग में यूज कर लिया। तो अभी यदि इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करें ऑक्सीजन पे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? तो अभी हम यहां से यदि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखिए यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन। होना कितना चाहिए था? 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। सो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज यूज कर रहे हैं, क्योंकि आउटर वैलेंस सेल में यदि जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज यूज करते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम यहाँ पे निगेटिव चार्ज यूज करते हैं। यदि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो हम निगेटिव चार्ज लगा देते, 5 इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दे, और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगाते, स्पेसीज जो अपनी न्यूट्रल स्पेसीज होती है। देन यहां से देखिए ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सो पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल हियर, ठीक है। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो स्टेबलाइज करेगा नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं करेगा तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो तो ज्यादा है ना नाइट्रोजन से, तो ये यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करता है एंड एलिमिनेट करता है इन द फॉर्म ऑफ H2O। H2O के फॉर्म में ये यहां से एलिमिनेट कर जाता है, और H2O के फॉर्म में एलिमिनेट करने के बाद यहां से फॉर्मेशन वो किसकी होती है वो चीज हम देख लेते हैं। देखिए यहां से आर आर सी डबल बॉन्ड एन, अभी नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, चीज समझ आ रही है? नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि देखिए वही फिर से इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर में, 1 इस वाले बॉन्ड में, 1 इस वाले बॉन्ड में, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 4। नाइट्रोजन में कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन की यहां पे फॉर्मेशन हो गई। अब हमें यहां पे रीअरेंजमेंट है वो कराना है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन क्यों बना है यहां पे? क्योंकि ऑक्सीजन है वो यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा चुका है, लेकिन इसका लॉन पेयर है नाइट्रोजन पे वो अभी भी प्रेजेंट है। तो अब यहां से होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहां से क्या होता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक शिफ्ट होती है। तो हमने एग्जांपल में यहाँ पे आर डैश यूज किया था, तो डिफरेंस शो करने के लिए हम यहाँ पे आर डैश अगेन यूज कर लेते हैं। तो यहां से क्या होगा? देखिए हम कोई भी, जरूरी नहीं है कि आर डैश को ही आप माइग्रेट करो, कोई भी एक एल्किल ग्रुप, आप आर को माइग्रेट करो, आप आर डैश को माइग्रेट करो, जब तक आपको नहीं पता है कि ये ग्रुप कौन कौन से हैं। यदि ग्रुप दोनों का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो डिफरेंट है तो आप यहां से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग करोगे, अदरवाइज आपको यहां पे ऐसे ही करना है। उसके अलावा यहां से माइग्रेशन है वो किस तरह से होता है वो चीज भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो भी हमें पढ़नी है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एंटी होता है वही वाला ग्रुप माइग्रेट करता है, इसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो यहां पे मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां से चलिए रीअरेंजमेंट है वो करा देते हैं। रीअरेंजमेंट कराएंगे तो यहां से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो एल्किल ग्रुप है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को साथ में लेके नाइट्रोजन पे माइग्रेट कर रहा है। तो यहां से बचता क्या है? देखिए आर सी डबल बॉन्ड एन आर डस नाइट्रोजन पे, तो इसका लॉन पेयर भी आ गया, ये वाला अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन साथ में लेके आया था, तो नाइट्रोजन को तो चलो इसका जो भी ऑक्टेट वगैरह सारा सब कुछ सेटिस्फाई हो गया नाइट्रोजन का तो। बट अब यदि बात करें इस वाले कार्बन की, तो इस वाले कार्बन से ये एल्किल ग्रुप है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके जा चुका है, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में ये यहां से शिफ्ट करता है, तो इस वाले कार्बन पे चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव चार्ज आया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे तो हम क्या करेंगे? H2O का अटैक कराएंगे इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे। जैसे ही H2O का अटैक कराते हैं पॉजिटिव चार्ज पे तो यहां पे होगा क्या? देखिए मेरा तो बोर्ड भी खिसक जाता है।
तो यहां से होगा क्या, देखिए H2O वो कहां पे अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कौन सा होगा, कार्बोकैटायन होगा, कार्बोकैटायन पे हमारा H2O वो अटैक करेगा, तो किस तरह से करेगा, देखिए R C डबल बॉन्ड N R डैश देन O H2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन है का लोन पेयर है वही तो आके जुड़ता है कार्बोकैटायन के साथ। देन देखिए यहां से क्या करेंगे हम, माइनस क्या कर देंगे, H पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि हमने एसिड कैटलिस्ट यूज किया था तो हमने यहां से एच पॉजिटिव को माइनस कर दिया। अब एच पॉजिटिव को जैसे ही माइनस कर दिया तो यहां से फॉर्मेशन किसकी हुई, आर सी डबल बॉन्ड एन आर डैश ओ एच की फॉर्मेशन होती है, आर सी डबल बॉन्ड एन आर डैश ओ एच की फॉर्मेशन होती है। अब यहां से ये वाली फॉर्म कौन सी है, इनॉल फॉर्म है, एंड वी नो दैट इनॉल फॉर्म इज लेस स्टेबल इन कंपेयर टू कीटो फॉर्म, तो हम इसे कन्वर्ट किस में कर लेंगे, कीटो फॉर्म में कर लेंगे। किस तरह से होगा कन्वर्जन, देखिए यहां से हमें टोटेमराइजेशन कराना होता है, टोटेमराइजेशन में ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज एंड देन नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज पे ये वाला एच पॉजिटिव है ये जाके अटैक करेगा, तो यहां से कुछ इस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर डैश एंड दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट दैट इज एन सबस्टिट्यूटेड एमाइड, दिस इज एन सबस्टिट्यूटेड एमाइड। तो क्लियर हुआ यहां से किस टाइप से रिएक्शन होती है, यहां से हुआ क्या हमारा टोटेमराइजेशन, TAUT ओ लिख दिया करो, इतना एग्जामिनर को अंडरस्टूड होता है टोटेमराइजेशन होता है। तो ये हुई रिएक्शन की मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि टॉक्सिन की फॉर्मेशन करनी है, कि टॉक्सिन की फॉर्मेशन के बाद यहां से एक स्टेप तो अपना हुआ ये कि टॉक्सिन की फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि टॉक्सिन पे H2O का अटैक करा, सॉरी कि टॉक्सिन पे एसिड कैटलिस्ट का अटैक कराना है, H2O को हमें एलिमिनेट करना है, सेकंड स्टेप ये हुआ, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है, थर्ड स्टेप में रीअरेंजमेंट करना है तो ये हुआ, फोर्थ स्टेप में अटैक ऑफ H2O कराना है तो ये हुआ अपना फोर्थ स्टेप, एंड देन यहां से माइनस एच पॉजिटिव करके और टोटेमराइजेशन करा देना है तो ये हो जाता है अपना इस तरह से एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड की फॉर्मेशन, एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बेकमान रीअरेंजमेंट, ठीक है। यही होती है अपनी बेकमान रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद जो रिएक्शन के स्पेसिफिक फीचर होते हैं, क्या यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री होती है रिएक्शन की, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है, कौन सा ऑक्सीजन यहाँ से एलिमिनेट करता है, सारी चीजें हम देखेंगे, एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हम देखेंगे यहां से स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म है वो हम देख चुके हैं, आफ्टर मैकेनिज्म रिएक्शन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द रिएक्शन है वो हमें यहां पे कंसीडर करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द रिएक्शन, ऑफ रिएक्शन। तो स्पेसिफिक फीचर्स में जो सबसे पहला फीचर है वो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो ऑक्सीन होता है, कि टॉक्सीन जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, और इसकी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म्स होती हैं, एक सीन होती है तो दूसरी एंटी होती है। ऑक्सीन की दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म्स होती है, वन इज सीन एंड अनदर इज एंटी। तो जब हम यहाँ पे बेकमान रीअरेंजमेंट कराते हैं नॉन आइसोमराइजिंग कंडीशन पे, तो यहाँ पे ऑलवेज वही वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा जो कि ऑक्सीन के हाइड्रोक्सिल से एंटी पॉइजन पे प्रेजेंट होता है, इरिस्पेक्टिव देयर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, उनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता, ऑलवेज कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा जो कि ऑक्सीन के हाइड्रोक्सिल की एंटी पॉइजन पे होता है। तो एग्जांपल से हम यहाँ पे समझ लेते हैं, पहले रिएक्शन का यहाँ पे जो स्पेसिफिक फीचर है इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किटोक्सिन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ऑक्सीम आर सीन एंड एंटी।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो दो ही होते हैं, सिन और एंटी, या फिर सिस और ट्रांस, दो ही टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात आती है तो ऑलवेज दो आइसोमर्स होते हैं, वन इज सिस एंड सेकंड इज ट्रांस, ठीक है। कुछ केसेज में हम इन्हें सिन और एंटी भी डिस्क्राइब करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट यहां से क्या होगा, वैन बैकमान रीअरेंजमेंट, बैकमान रीअरेंजमेंट इज कैरिड आउट इन नॉन आइसोमराइजिंग कंडीशन, नॉन आइसोमराइजिंग कंडीशन, देन द ग्रुप एंटी टू द हाइड्रोक्सिल ऑफ, then the group anti to the hydroxyl group of oxime always migrates irrespective of their migratory aptitude, irrespective of their migratory aptitude। चीज क्लियर हुई यहां से कि हमेशा वही वाला अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एंटी पोजिशन पे जो ग्रुप होगा वही माइग्रेट करेगा, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट है वो नहीं डालेगा। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए हमने यहाँ पे रखा है कुछ इस तरह से, एग्जाम्पल Cl NO2, देन यहां पे अपना लगा हुआ है C डबल बॉन्ड N OH, एंड इधर कौन है, फेनिल ग्रुप है, ठीक है। इधर कौन है अपना, फेनिल ग्रुप है। अब देखिए यहां पे हमने क्या लेना है, इधर क्या होता है अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिन और एंटी हम यहाँ से कैसे डिसाइड करेंगे, तो वही चीज हमें देखनी होती है कि पहले हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल प्रायोरिटीज हम वो फिक्स करते हैं। प्रायोरिटीज जब फिक्स करेंगे तो ऑलवेज प्रायोरिटी सिक्वेंस रूल है वो तो लगाना आता ही होगा यहां तक पहुंचे हो तो प्रायोरिटी सिक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग यहां से फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इस वाले ग्रुप को मिलती है, एंड सेकंड प्रायोरिटी गोज टू फेनिल ग्रुप, ठीक है। यदि नीचे की तरफ देखें तो यहां से फर्स्ट प्रायोरिटी है वो किसको मिलेगी, हाइड्रोक्सिल को मिलेगी, एंड सेकंड प्रायोरिटी गोज टू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपको यहां से पता होनी चाहिए, एटम हैज ऑलवेज हायर प्रायोरिटी इन कंपेयर टू लॉन पेयर। जब भी एटम और लॉन पेयर दो चीज कहीं पे प्रेजेंट होती हैं तो ऑलवेज एटम की प्रायोरिटी है वो हाईएस्ट होती है, देन लॉन पेयर आता है अपना। तो यहां से फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर वाले कार्बन पे यदि देखें तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिली है, इस वाले ग्रुप को मिली है, सेकंड प्रायोरिटी फेनिल को मिली है। यदि नीचे आते हैं नाइट्रोजन पे तो नाइट्रोजन पे देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जा रही है, अपनी हाइड्रोक्सिल को जा रही है, सेकंड प्रायोरिटी यहां से जा रही है अपने किसको, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यहां से अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमने जो ऑक्सिम लिया है ये सिन है या फिर एंटी। तो सिन और एंटी तो आई थिंक डिसाइड करना आता ही होगा कि जब सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं, ठीक है। हमेशा देखिए हमने जब भी सिस ट्रांस डिसाइड करना होता है तो जनरल सा हम क्या एग्जाम्पल रख लेते हैं, कुछ इस तरह से एग्जाम्पल रख लेते हैं कि यदि कुछ ऐसा प्रेजेंट है तो ये क्या हुआ अपना सिस हुआ है, सॉरी ट्रांस हुआ है, ठीक है। और सिस में क्या कर देते हैं कि सेम ग्रुप्स को एक साइड कर देते हैं, बट सिन और एंटी में सेम ग्रुप यहां पे नहीं है तो हम उस केस में क्या करते हैं कि पहले जो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनका प्रायोरिटी यहां पे डिसाइड कर लेते हैं, देन प्रायोरिटी के बेसिस पे हम इनका सिन और एंटी है वो डिसाइड करते हैं। क्योंकि ग्रुप है वो तो सारे के सारे डिफरेंट है, तो सभी ग्रुप डिफरेंट है तो हम यहां से सिन और एंटी नहीं बता सकते, तो फिर कैसे बताएंगे, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी बताएंगे। अब देखिए सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप यदि सेम साइड होते हैं तो ये कौन सा होता है अपना, सिन कंफर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये यहां से कौन सा हुआ, सिन आइसोमर हुआ। अब सिन आइसोमर में हमें ये चीज देखनी है, हमें यहां पे नहीं देखना कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कौन से ग्रुप का ज्यादा है, यहां से इन दोनों में से किसी एक ग्रुप का माइग्रेशन होना है। मैकेनिज्म यदि समझी है आपने, नहीं समझ आई एक बार फिर से वीडियो को देखिए, देन ही आपको ये एग्जांपल समझ आएगा। क्योंकि यहां पे मैं अगेन मैकेनिज्म नहीं एक्सप्लेन कर रही हूं, डायरेक्ट बता रही हूं कि यहां से जो आंसर है वो क्या होगा, प्रोडक्ट रिएक्शन का वो क्या होगा। तो देखिए थोड़ा सा समझिए, हम यहां पे जो कार्बन पे जो दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं में से किसी एक का माइग्रेशन कराते हैं, और वो डिपेंड किस पे करता है, उसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे करता है। लेकिन इस बार यहां पे जो माइग्रेशन है वो माइग्रेटरी
एप्टीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो फिर किस पे डिपेंड कर रहा है? कि यहाँ से जो हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्सिल की एंटी पोजिशन पे कौन प्रेजेंट है, वही माइग्रेट करेगा। इधर चाहे कुछ भी प्रेजेंट हो, वो कभी भी माइग्रेट नहीं करेगा, चाहे कितना भी हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये लेके बैठा है, लेकिन इसका माइग्रेशन कभी नहीं होगा। ऑलवेज माइग्रेशन किसका होगा, जो कि हाइड्रोक्सिल की एंटी पोजिशन पे है। तो हाइड्रोक्सिल की एंटी पोजिशन पे कौन अपना फेनिल ग्रुप है, तो फेनिल ग्रुप का ही यहां से माइग्रेशन होना है। तो यहां से देखिए कंडीशंस क्या क्या लगेंगी हमारी रिएक्शन के लिए। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या लेते हैं, यहां से एसिड कैटलिस्ट लेते हैं। तो जरूरी नहीं ऑलवेज आपको H2SO4 ही दिया जाए। सपोज दैट हमने यहां पे PCl5 रख लिया, PCl5 हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है। देन सेकंड कंडीशन में PCl5 लेंगे तो यहां से H2O का मॉलिक्यूल है वो तो निकल जाएगा। H2O का मॉलिक्यूल निकलने के बाद अगेन हम क्या कराते हैं, H2O का अटैक कराते हैं। H2O का अटैक कराने के बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहां से माइनस एच पॉजिटिव होता है। एंड फोर्थ स्टेप में क्या होता है, टोटेमराइजेशन होता है। और इतना सारा सब कुछ करने के बाद यहां से प्रोडक्ट है जो रिएक्शन का वो क्या आएगा, वो चीज आप देख लीजिए एक बार के लिए। प्रोडक्ट है यहां से रिएक्शन का वो क्या होता है, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट यहां से ऑब्टेन होगा। ये वाला ग्रुप अपना एज इट इज रहेगा, Cl NO2 किसके साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ। अब यहां पे कौन आ जाता है, डबल बॉन्ड O आ जाता है। देन यहां से कौन जुड़ा अपना, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे कौन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा जो कि कहां से आया होगा, H2O से आया होगा। मैकेनिज्म अगेन बता रही हूं, आप जब तक मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगी आप डायरेक्टली जो आंसर है नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए पहले आपको मैकेनिज्म सीखनी पड़ेगी। मैं चाहे कितने भी कंपाउंड्स की करा दूं आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल मैं करा रही हूं डायरेक्टली, आप इनकी भी मैकेनिज्म को फॉलो कीजिए। देन देखिए यहां से क्या हो रहा है, यहां पे क्या आएगा अपना NH pH। यहां पे माइग्रेशन है वो किसका हुआ है, फेनिल ग्रुप ने माइग्रेशन किया है नाइट्रोजन पे। देन यहां से ये टाइप का प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होता है अपना, एन सबस्टिट्यूटेड एमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये यहां पे होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहां से एक दो, तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम यहां से और देख लेते हैं। एक एग्जांपल हमने यहां पे देखा है सिन का, दूसरा एग्जांपल हम यहां से एंटी का देख लेते हैं कि एंटी में किस तरह से यहां पे माइग्रेशन होने वाला है। तो स्पेसिफिक फीचर ही अपना चल रहा है, हेडिंग को मैंने मिटा दिया लेकिन अभी भी अपना स्पेसिफिक फीचर है वही चल रहा है। तो सेकंड एग्जांपल हम यहां से रख लेते हैं, सी डबल बॉन्ड एन, हाइड्रोक्सिल को हमने इसी साइड रख लिया। देन यहां से पीएच, इधर पे हमने रख लिया CH3। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, यहां से आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। यहां पे क्या होता है अपना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए सिन और एंटी डिसाइड करने में आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और सिन और एंटी डिसाइड करने में यदि प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपकी जो आगे की मैकेनिज्म वो बहुत ईजी होती है। डबल बॉन्ड पे हमें अगेन क्या करना है, प्रायोरिटीज फिक्स करनी है। प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू फेनिल एंड सेकंड प्रायोरिटी गोज टू अपना एल्किल ग्रुप, ठीक है। नीचे से यदि हम चलें तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू हाइड्रोक्सिल एंड सेकंड प्रायोरिटी गोज टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लेते हैं यहां से कौन सी फॉर्म है, यहां से सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं, यहां से जो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं वो ऑपोजिट हैं, सेम डायरेक्शन में नहीं है ना, सेम साइड नहीं है, तो ऑपोजिट साइड है, तो ये कौन सा होना है, एंटी होना है, ठीक है। तो एंटी में तो कोई यहां से झंझट ही नहीं है, एंटी में तो डायरेक्टली यहां से फेनिल का माइग्रेशन करा दो नाइट्रोजन पे। तो यहां पे अगेन हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट एच पॉजिटिव, H3PO4 यूज कर लें इस बारी, H3PO4 यूज कर लिया। सेकंड पे H2O यूज कर लेते हैं। देन आगे की मैकेनिज्म है वो तो यहाँ से अंडरस्टूड होती है कि क्या होना है, H पॉजिटिव माइनस होना है, टोटेमराइजेशन होना है, तो उन्हें यहाँ पे मेंशन करने की कोई नीड नहीं होती, ठीक है। तो देन यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या होगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O NH pH, चीज क्लियर हो रही है। यहां से रिएक्शन का प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH pH, यहां से ये वाला प्रोडक्ट बना दिया। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, चलिए इसी फॉर्म में इसको लिख देते हैं। ये कैसे प्रेजेंट है, CH3 कुछ इस तरह से अपना, CH3 पे कौन जुड़ा हुआ, C पे डबल बॉन्ड O है, देन N है, N पे कौन जुड़ गया, H जुड़ गया, और एक कौन आ गया अपना, PH आ गया। H2O यहां से निकल चुका होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि H2O है, ये वाला हाइड्रोक्सिल है, ये यहां से जा चुका होता है। देन यहां से इस टाइप से ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। एक और एग्जांपल हम यहां से देख लेते हैं, ये हमने देखा एंटी का, एक और अगेन हम सिन का देख लेते हैं। तो सिन के एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो इस बारी के लिए हम दोनों जो ग्रुप्स हैं वो सेम रख लेते हैं, ओके। देन यहां से देखिए कुछ इस तरह से हो गया, इस बार प्रायोरिटी फिक्स कर लो, दोनों की सेम प्रायोरिटी आनी है, यहां से 1 1 2 2, ठीक है। यहां से तो यहां से कोई भी एक ग्रुप को आप प्रायोरिटी दे दो, तो यहां से देखिए कुछ इस तरह से रिएक्शन होनी है, 1 1, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड हैं, तो ये कौन सा, सॉरी सेम ग्रुप्स के साथ तो हम यहां पे कर ही नहीं सकते,
हमें कौन सा लेना है? सिन लेना है, तो फेनिल को इस बार यहाँ पे रखेंगे. सॉरी सॉरी फॉर दैट. यहाँ पे फेनिल को हम इस बार यहाँ पे रखेंगे. फेनिल को फर्स्ट प्रायोरिटी, मेथिल को सेकंड प्रायोरिटी. सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप, सेम साइड, दैट मींस ये कौन सा होगा? सिन होगा. ऊपर वाला कौन सा था? एंटी था. यहां से हमें माइग्रेशन किसका कराना है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एंटी पोजिशन पे जो ग्रुप प्रेजेंट है. तो यहां से देखिए एग्जाम्पल अगेन हमारा इस बार क्या होगा. यहां से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि किस टाइप से ग्रुप का माइग्रेशन है वो हम करा रहे हैं. NHCS3. तो चीज समझ आई. यहाँ पे इन दोनों में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है? फेनिल का ज्यादा होता है. लेकिन फिर भी यहाँ पे मेथिल माइग्रेट कर रहा है. क्यों माइग्रेट कर रहा है? क्योंकि हाइड्रोक्सिल की एंटी पोजिशन पे प्रेजेंट है. तो पोजिशन डिसाइड करेगी कि कौन माइग्रेटरी, कौन माइग्रेशन करेगा, ना कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिसाइड करेगा. ठीक है, तो ये यहाँ से होता है कुछ इस टाइप से माइग्रेशन किसका होना है किसका नहीं होना है. इसके बाद जो सेकंड अपना स्पेसिफिक फीचर आता है वो ये आता है कि जब कोई हम ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ से कंपाउंड लेते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव ऑक्सिम लेते हैं, ऑक्सिम के साथ कोई भी कायरल कार्बन जुड़ा होता है, तो उसमें ऑलवेज कंप्लीटली रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन वो हमें ऑब्टेन होता है. तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन विद स्टेटमेंट मैं यहां से आपको वो एक्सप्लेन करती हूं. हो गया. इसके बाद देखिए हम आते हैं अपने सेकंड स्पेसिफिक फीचर पे कि जब हमारे पास ऑक्सिम में जो माइग्रेशन करने वाला कार्बन है वो कायरल कार्बन होता है, देन उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो किस तरह से होती है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? फोर सबस्ट्रेट इन विच द माइग्रेटिंग कार्बन, the migrating carbon atom is chiral, then 99% retention in configuration occurs. ठीक है, तो जब हमारे पास जो ऑक्सिम है उसमें क्या होता है, माइग्रेटिंग कार्बन है वो कायरल कार्बन होता है, तो यहाँ पे कायरल कार्बन का जो कॉन्फिग्रेशन बिफोर द रिएक्शन होता है वही कॉन्फिग्रेशन है वो आफ्टर द रिएक्शन होता है. 99% 1% यहाँ से इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन भी ऑप्टेन हो सकता है, बट 99% है वो यहाँ से रिटेंशन इन कॉन्फिग्रेशन होता है. जस्ट लाइक यदि हमारा सबस्ट्रेट है उसका कायरल कार्बन है, उस पर यदि आर है कॉन्फिग्रेशन, देन प्रोडक्ट में भी क्या होगा? आर होगा. यदि S है तो S ही होगा. तो यहां से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट नहीं होता, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिएक्शन है वो हैपन होती है. यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं. तो एग्जांपल के लिए देखिए हमने क्या देखना है, C डबल बॉन्ड NOH, दिस इज अ ऑक्सिम. ऑक्सिम पे हमने रख लिया एक मेथिल ग्रुप, देन हमने सेकंड जो रखा है वो रखा है C. यहां पे हम क्या रख रहे हैं? कायरल कार्बन रख रहे हैं. एथिल ले लिया, एक यहां से ब्यूटाइल ले लिया, देन एक यहां से हाइड्रोजन ले लिया. ये हमने रखा अपना कायरल कार्बन. तो यहां से माइग्रेशन किसका होगा? कायरल कार्बन का ही होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये कहां पे? एंटी पोजीशन पे है. तो यहां से जब माइग्रेशन होगा, रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन में हम इस बार क्या यूज कर रहे हैं? PCl5 कर लिया, H3PO4 कर लिया, HCWH कर लेते हैं, फॉर्मिक एसिड यूज कर लेते हैं. सेकंड पॉइंट पे हम यहां पे क्या करेंगे? H2O लेंगे. देन यहां से रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो देखिए क्या होगा, यहां से CH3C डबल बॉन्ड O. माइग्रेटिंग कार्बन अपना कौन सा है? ये वाला है, तो इसका जो कॉन्फिग्रेशन है वो सेम ही रहेगा. देन क्या आता अपना NH, और NH पे कौन जुड़ेगा? CH. जो ग्रुप्स हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहने हैं. CH यहां पे कौन है? ब्यूटाइल है. एंड यहाँ पे कौन है? एथिल है. तो यहाँ पे इस वाले कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वही कॉन्फ़िगरेशन अभी भी है. ये चीज यहाँ पे इस पे बताई गई है कि कायरल कार्बन में 100% रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें ऑब्टेन होता है. तो ये हो गया हमारा सेकंड स्पेसिफिक फीचर जब हम लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिव ऑक्सिम. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है वो ये आता है कि हमारा जो ऑक्सिम है उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है ये यहां से एलिमिनेट कर जाता है. ठीक है, जो यहां से एमाइड में ऑक्सीजन आ रहा है ये हाइड्रोक्सिल वाला ऑक्सीजन
ऑक्सीजन नहीं होता। तो हम कैसे बता दें यहाँ पे कि जो जो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आया है ये हाइड्रोक्सिल वाला ऑक्सीजन नहीं होता। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑक्सीम है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं, H2O को हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो H2O जो सॉल्वेंट में ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है, सेम परसेंटेज है वो एमाइड में यहाँ पे होता है। तो ये चीज यहाँ से डिफाइन करती है कि ये वाला जो हाइड्रोक्सिल है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ से कंप्लीटली एलिमिनेट कर चुका है, और यहाँ पे जो एमाइड में ऑक्सीजन होता है ये कहाँ से आया होता है, सॉल्वेंट से आया होता है। तो इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है वो यहाँ से देखिए, सेकंड पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देन रिएक्शन को मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट अपना क्या था, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट था कि जब हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लेते हैं तो किस तरह से माइग्रेशन होता है, सेकंड पॉइंट था अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी का, थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं द ऑक्सीजन एटम ऑफ ऑक्सीम इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीजन ट्रांसफर शुड बी एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होना तो क्या चाहिए था, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होना चाहिए था, बट हम जब ऑक्सीम की रिएक्शन कराते हैं सो ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, व्हेन एन ऑक्सीम रीअरेंज इन सॉल्वेंट H2O18। यहां से आपको ये चीज बहुत ही ध्यान में रखनी है H2O18। हमने यहाँ पे जो सॉल्वेंट का जो ऑक्सीजन था उसे हमने यहाँ पे लेबल कर लिया, O18 हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। इन सॉल्वेंट H2O18 देन द सेम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम contains in amide, ठीक है। तो यहां से जो O18 होता है, सेम परसेंटेज ऑफ O18 ऑक्सीजन एटम कंटेन्स इन एमाइड, यानी कि जितना ऑक्सीजन H2O18 में होता है उतना ही ऑक्सीजन सारा का सारा कहां पे प्रेजेंट होता है, अपना एमाइड में प्रेजेंट होता है। तो चलिए रिएक्शन के थ्रू इसको हम समझ लेते हैं। तो रिएक्शन में हमें एग्जाम्पल रखना है ना, एग्जाम्पल में हम यहाँ पे ले लेते हैं बेंजोफिनोन ऑक्सीम C6H5 C6H5 C डबल बॉन्ड NOH, ये हमारा हो गया बेंजोफिनोन ऑक्सीम। बेंजोफिनोन ऑक्सीम पे हमें रिएक्शन किसकी करा देनी है, H2SO4 की रिएक्शन करा देनी है। तो यहां से माइनस कौन होगा, H2 होगा। यहां से हमने इसे O16 लेबल किया हुआ है, तो यहां से H2O16 है वो एलिमिनेट करेगा। देन यहां से फॉर्मेशन किसकी होनी है, C6H5 C6H5 C डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। देन यहां से क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ फेनिल ग्रुप होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा यहां से कंपाउंड फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड N C6H5 पॉजिटिव। अब हमें यहां पे क्या करना होता है, H2O का अटैक कराना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, H2O सॉल्वेंट लेते हैं, और ये जो सॉल्वेंट है इसे हमने लेबल किया हुआ है, ये कौन सा, H2O18 है। यहीं से हमें रिएक्शन क्लियर होगी कि यहां पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन था हाइड्रोक्सिल का, वो कंप्लीटली एलिमिनेट कर चुका है। जो एमाइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो किसका होता है, इस वाले सॉल्वेंट का ऑक्सीजन होता है। देन हमने यहां पे H2O18 लिया है, तो ये क्या करेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड N C6H5 OH लिख दूं, अंडरस्टूड है, माइनस एच पॉजिटिव यहां से एलिमिनेट कर जाएगा, ठीक है। देन यहां से OH के बाद क्या कराना है, टोटेमराइजेशन कराएंगे तो इस इनोल को कन्वर्ट किस में कर लेंगे, कीटो में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहां से एमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड प्रोडक्ट विल बी लाइक दैट, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH C6H5, ये यहां से कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट होता है। तो ये होती है अपनी, ये जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट हमने लिखा है, ये किस चीज को सेव कर रहा है, अगेन बता रही हूँ कि यहाँ पे जो ऑक्सीम का हाइड्रोक्सिल होता है, ऑक्सीम के हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीजन है वो यहां से कंप्लीटली एलिमिनेट कर चुका है। देन एमाइड में जो ऑक्सीजन है वो अपना कौन सा आता है, O18 आता है, ठीक है,
O18 यहाँ पे ऑक्सीजन अपना आता है, और ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है कि जो H2O सॉल्वेंट है उसी का ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा बेकमान रीअरेंजमेंट। बेकमान रीअरेंजमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिएक्शन का स्टेटमेंट देखा, थ्योरेटिकल पोर्शन देखा, मैकेनिज्म देखी। मैकेनिज्म के बाद हमने यहाँ से स्पेसिफिक फीचर्स स्टार्ट किए हैं। स्पेसिफिक फीचर्स में हमने यहाँ पे तीन स्पेसिफिक फीचर देखे हैं। फर्स्ट हमने देखा है कि जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं तो किस तरह से यहाँ पे माइग्रेशन होता है, यानी कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में देखा है। सेकंड हमने यहाँ पे देखा है कि कोई कैरल कार्बन होता है तो उसका रिटेंशन एंड कॉन्फिग्रेशन है वो ऑब्टेन होता है। थर्ड हमने देखा है कि यहाँ पे जो ऑक्सीम का हाइड्रोक्सिल होता है वो कम्प्लीटली यहाँ से एलिमिनेट कर चुका होता है, और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट का ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो तीन पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। ये था अपना बेकमान रीअरेंजमेंट। एग्जाम्पल्स आप जितने चाहो कर सकते हो, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वो बुक में मिल जाएंगे। मैकेनिज्म आप खुद से करके देखिए। मैकेनिज्म यदि कहीं पे नहीं समझ आ रही है देन कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। और बेकमान रीअरेंजमेंट अपना यहीं पे खत्म होता है। तो इसी के साथ अपने रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड नाइट्रोजन एटम वाले जो रीअरेंजमेंट है वो भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 रीअरेंजमेंट्स वो किए हैं। होफमान किया है, कर्टियस किया है, स्मिड किया है एंड बेकमान किया है। ठीक है, इसके साथ हमारे 4 रीअरेंजमेंट्स वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6 रीअरेंजमेंट्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन से? कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम वाले। इसके बाद हमारे पास बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन बचता है एंड 3 जो रीअरेंजमेंट्स हैं वो हमारे पास बचते हैं रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन एटम कार्बन आयन को कंसीडर करने वाले, यानी कि ऑलमोस्ट 4 रीअरेंजमेंट यहाँ से बचे हुए हैं। एक रीअरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम वाले में और भी आता है, लोसन रीअरेंजमेंट, बट वो सिलेबस में नहीं है तो अभी के लिए हम इतना ही कंसीडर कर रहे हैं जितना कि सिलेबस में है। वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी यदि आप चाहोगे तो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं या तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कर लेंगे या फिर कोई कार्बन आयन वाला रीअरेंजमेंट कर लेंगे। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।